Okay, now we are going to discuss the process of persuasive public speaking. अभी पहले जो हमने बात की जिस टॉपिक के ऊपर वो था पर्सुएसिव पब्लिक स्पीकिंग. अब आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चाहे रीडिंग थी, राइटिंग थी, चाहे लिसनिंग थी, तो उसके अंदर हर चीज़ का एक एक ना एक क्या होता है, प्रोसेस होता है कि आपने जो बात करनी है उसका प्रोसेस क्या है, आपने उसको कैसे लेके चलना है. तो इसको हम देख लेते हैं. कहता है द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल पर्सुएसिव स्पीकिंग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस. इसके अंदर 5 स्टेजेस हैं जी. अवेयरनेस इज नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग इज 2, द थर्ड वन इज एग्रीमेंट, 4th वन इज इंसेटमेंट एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन. सो फेमिलिटी विद दीज स्टेजेस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज where the speaker's audience stand and adopting his persuasive appeals accordingly. It also helps the speakers to appreciate the extent to which persuasion on important issues is typically incremental rather than an all or nothing proposition. Persuasive speeches can be successful when they move listeners through the process towards the speaker's ultimate goal of accepting or acting upon his message. सो ये 5 प्रोसेस हैं. इनमें सबसे पहले है अवेयरनेस. अवेयरनेस को देख लेते हैं. द फर्स्ट फेज ऑफ पर्सुएशन अवेयरनेस इन्वॉल्व्स कॉलिंग अटेंशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम. स्पीकिंग टू रेज अवेयरनेस आल्सो नोन एज द कॉन्शियस रेजिंग इज स्पेशली इम्पोर्टेंट व्हेन लिसनर्स डू नॉट ऑलरेडी नो और बिलीव देर इज अ प्रॉब्लम. इफ अ स्पीकर वॉन्ट्स his listener to become more informed of his situation or issue, he should first convince them that the need is real and pressing. In such cases, starting facts, compelling example, eyewitness accounts, and descriptive language can be effective for shaping perception that can help to open up listener to accept his persuasive message or goal. सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही हो, अगर आपके लिसनर्स को उसका पता नहीं है, तो अवेयरनेस जो है वो बड़ा पहला क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है आपके प्रोसेस के अंदर, कि आपका स्पीकर जो है, अगर आपके लिसनर उस कन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में बात की जा रही है, तो आपके स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना इफ़ेक्टिव बना सकता है. अब ये आपने देखिएगा, जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं ये उनका क्या आ रहा है, मिक्सचर आ रहा है सबका, ठीक है. इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यूज़ हो रही हैं. तो वो कहता है कि आपका जो स्पीकर है वो कितना इफ़ेक्टिवली आपके लिसनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है थ्रू अवेयरनेस, ठीक है. वो मुख्तलिफ किस्म के पोर्शन में भी अपनी बात कर सकता है, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की एग्ज़ाम्पल दे सकता है, मुख्तलिफ किस्म की सीरीज़ चला सकता है, मुख्तलिफ किस्म के आई विटनेस काउंट कर सकता है, रियल एग्जांपल दे सकता है, कॉमन एग्जांपल दे सकता है, जिससे उसके लिसनर्स क्या हो जाएं, उसकी तरफ मतवज्जे हो जाएं, ठीक है. सो द फर्स्ट प्रोसेस इज अवेयरनेस, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कम से कम आपके स्पीकर को भी खुद भी उस टॉपिक का पता हो और जिस टॉपिक की तरफ वो बात कर रहा है उसमें भी वो अवेयरनेस पैदा करे थ्रू टेक्निक्स, जो उसने क्या कहा, आई विटनेस एग्जाम्पल्स, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड कंपेलिंग एग्जाम्पल्स स्टार्टिंग विद फैक्ट्स. मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर को पेश करके वो अपना इस टॉपिक को क्या कर सकता है, पहले पॉइंट को डील कर सकता है. नंबर सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग. द सेकंड फेज ऑफ द पर्सुएसिव प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग इंटेल्स डेवलपिंग अ ब्रॉडर कम्प्रीहेंशन ऑफ द नेचर, स्कोप, काज एंड लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू, एज वेल एज द रेंज ऑफ कंट्रास्टिंग ओपिनियंस एंड व्यूज ऑफ एक्सपर्ट एंड अपोजिंग एडवोकेट्स. बियॉन्ड अवेयरनेस, most listener need to feel like they understand the situation or issue at hand before they can commit to give to a given proposition or course of action. So iske andar second jo hai wo kya hai, understanding hai, theek hai. aapke speaker ki taraf se itni understanding develop ho ki aapke jo listeners hain unke aur uske darmiyan ek aisa level hona chahiye jiske andar cheezon ko kya kar liya jaye, samjha jaye, ठीक है. अब जब हम इसकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब हमने लिसनिंग की बात की थी तो हमने उसके अंदर भी ये चीज़ें देखी थी कि जब आप लिसनिंग करते हैं तो उसमें हमने बैरियर्स पढ़े थे, ठीक है. प्रोसेस में भी हमने चीज़ों को देखा कि जब आप चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं तो आपके स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी बात को किस अंदाज में क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है. सेम इज़ द केस हियर कि अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प होनी चाहिए बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर्स.
Agreement, the third stage in the persuasive process, process is agreement, which occurs when listeners proceed from understanding to accepting the speaker's position. G. अब इसमें क्या है, जब आप अंडरस्टैंडिंग के मरले से गुजर जाते हैं फिर आप एग्रीमेंट की तरफ आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं, जब आपको एक पॉइंट की समझ आ जाती है तो आप आगे से क्या कर रहे होते हैं, सर हिला रहे होते हैं. इट मींस दैट थिंग्स आर गोइंग वेल, दैट कॉल्ड एग्रीमेंट. ठीक है, बाज़ औक़ात आप वो जो आप सर हिला रहे होते हैं वो फेक भी हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है. सो आपको अब याद आएगा जब हमने पढ़े थे बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर्स, ये उनकी कितनी अहमियत है कि जब आपने बात को कन्वे करना है तो आपके बॉडी लैंग्वेज कितने मैटर करते हैं. एज दे लिसन टू हिम, ऑडियंस मेंबर्स शुड गो थ्रू अ सीरीज ऑफ अफर्मेशन सच एज ही इज राइट, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, दैट स्ट्राइकिंग एविडेंस, आई डिडेंट नो अबाउट दैट, आई सी हाउ दिस कैन अफेक्ट माई लाइफ, आई हैव गॉट टू डू समथिंग अबाउट दिस, दिस प्लान मेक्स सेंस, आई बिलीव इट विल वर्क, दिस अफर्मेशन कैन बिल्ड ऑन ईच अदर डिवेलपिंग मोमेंटम टूवर्ड्स एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ द स्पीच. ये मुख्तलिफ किस्म के उसने फिकरात बताए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए बीइंग अ स्पीकर और एज ए बीइंग अ लिसनर. ठीक है, आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए ये कुछ उसने फिक्रे बताए हैं जो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. नंबर फोर इज़ इनेक्टमेंट, द फोर्थ स्टेज इज़ द परसुएसिव प्रोसेस इज़ इनेक्टमेंट ऑफ द स्पीकर्स प्रपोजल और सोल्यूशन. इट इज़ वन thing to get listeners to accept what the speaker says, it is quite another to get them to act on it. When the speaker invites listener to sign a petition, raise their hand or a voice assent, he gives them a way, enact agreement and to confirm their commitment. बाज़ औक़ात जैसा कि कहा जाता है कि आपकी क्लास में से कितने बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं, सो द रेजिंग हैंड इज अ इनेक्टमेंट. ठीक है, या पूछा जाता है बाज़ औक़ात कि ये जो टॉपिक पढ़ाया गया कितने बच्चों को समझ आ गया, जितने को समझ आ गया हाथ खड़ा कर दें, या मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ इनेक्टमेंट. इफ़ ही वांट्स हिज ऑडियंस टू अज्यूम द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व, ही शुड बी स्पेसिफिक इन टेलिंग देम नॉट ओनली वाई बट वन वेयर एंड हाउ द कैन डू सो, ही शुड मेक इट ईजी फॉर देम टू कम्प्ले. द यूज़ ऑफ इमोशनल अपील्स कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर मूविंग लिसनर फ्राम एग्रीमेंट टू एक्शन. ठीक है, स्टीरिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल, वाइड इमेजेस एंड कलरफुल लैंग्वेजेस कैन अरोज सिंपथी एंड अर्ज द लिसनर्स टू एक्शन. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को मतलब इन अदर वर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के रंग भर देना एक तस्वीर के अंदर, वो तस्वीर को क्या बना देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं. जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपने देखा होगा अगर एक रंग यूज़ कर रहे हो तो वो मुख्तलिफ अच्छी ज़्यादा नहीं लग रही होती. सेम इज़ द केस हियर कि जब आपका स्पीकर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को कंपाइल कर देता है, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल देता है, मुख्तलिफ इमेजिनेशंस यूज़ करता है या मुख्तलिफ एक्टिविटी करवा के आपको अपनी तरफ क्या करता है, मर्ज करता है. सो द थिंग इज़ दैट कि आप क्या करते हैं, आपका और आपके स्पीकर के दरमियान जो इनेक्टमेंट एग्रीमेंट होता है वो आप क्या कर रहे होते हैं, उससे आपको पता चल रहा होता है कि स्पीकर को भी पता चल रहा होता है कि मेरी बात कितनी इफेक्टिव हो रही है और लिसनर्स को भी पता चल रहा होता है कि हमें कितनी समझ आ रही है. इंटीग्रेशन, द फाइनल स्टेज इन द पर्सुएसिव प्रोसेस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ अ न्यू कमिटमेंट्स into listeners previous beliefs and values. For a persuasive speech to have lasting effect, listener must see the connection between their core values and what the speaker proposes. All of us see consistency between our values and behaviors. On some occasions, listeners might agree with the speaker's message for the moment and then revert back to their original position once they had a time to reflect on their previous beliefs and commitments. To counter this tendency, persuasive speakers often anticipate and address likely reservations or opposing views that listeners may encounter after the tentatively agreed with their proposal. Getting the listeners to enact the speaker's message can also contribute to more lasting persuasion. ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि आपका जितने भी पहले प्रोसेस हो जाते हैं उनकी ये लास्ट स्टेज है और इसके अंदर आप क्या करते हैं, न्यू कमिटमेंट्स या आप अपनी जो पुरानी बातें होती हैं प्रीवियस बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को इंक्लूड करके आप क्या करते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट
क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट करने के साथ साथ आप अपने ये जो है वैल्यूज़ और आपके एज ए बीइंग स्पीकर और लिसनर्स के दरमियान क्या होता है, एक एग्रीमेंट समझ लें या आप इसको एक कनेक्शन समझ लें जो कि वैल्यूज़ के ऊपर या फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर क्या कर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है। और बाज़ औक़ात कहता है कि आप ऑन द लास्ट बाज़ औक़ात आप अपने स्पीकर के मैसेज से एग्री भी कर रहे होते हैं या बाज़ औक़ात आप क्या कर रहे होते हैं, डिसएग्री कर रहे होते हैं। सो द थिंग इज़ दैट इसी तरह जो है आपकी पब्लिक जो डीलिंग है या आपकी पब्लिक परसुएशन है वो इन पांच चीज़ों के साथ क्या करती है, परसू करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आपके लिसनर्स और आपके ऑडियंस आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हो रहे होते तो वो जब पॉइंट देते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनके ऊपर क्या करें, काम करें, मज़ीद अच्छा से अच्छा प्रेजेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन टास्क दिया जाता है तो उसमें गलतियां निकाल के फिर आपको दोबारा रिपीट पे क्यों रखा जाता है, इट मींस कि कुछ ना कुछ चीज़ें कम होती हैं या कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो उसमें दोबारा रंग भरने की ज़रूरत होती है। दैट्स ऑल।